उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हरकेश मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 30 नवंबर तक आधार कार्ड के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उपायुक्त हरकेश मीणा की अध्यक्षता में हमीर भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। हरकेश मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 30 नवंबर तक आधार कार्ड के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसके उपरांत किसी भी लाभार्थी को इसे पूर्ण किए बिना योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने ये प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं की तो इसे निर्धारित तिथि तक अवश्य पूर्ण कर लें। इसके अतिरिक्त एक निश्चित अनुपात में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन भी किया जाना है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित विभागों से समयबद्ध निपटारे का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में भी नशा निवारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत दैनिक आधार पर भी सभी विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राजकीय पाठशालाओं में शौचालय, सूचना पट, फर्श, पेयजल भंडार टैंक इत्यादि की छिटपुट मरम्मत सहित पाठशालाओं के जीर्णोद्धार के लिए 14वें वित्त आयोग से धन का प्रावधान किया जा रहा है। पाठशाला परिसर में ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए मनरेगा के माध्यम से भी कार्य करवाया जा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया कि जिला में दूध व इससे बने पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और बेहतर प्रयास करें। बाहर से आने वाले पैकेट बंद दूध की थैलियों के नमूने एकत्रित कर इनकी निश्चित जाँच की जाए, नियमित जाँच की जाए। सभी दूध विक्रेताओं को भी अपने स्तर पर दूध गुणवत्ता जाँचने हेतु किट रखने के लिए प्रोत्साहित करें। उपायुक्त ने कहा इस शहर में स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा और बेहतर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमीरपुर में 20 तथा अन्य स्थानों पर 17 ऑटो रिक्शा चलाने की योजना है। शहर के विभिन्न स्थलों पर इनकी पार्किंग के लिए स्थल चिन्हित किए जाएंगे। उन्होंने जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी को निर्देश दिए कि अनुस्थित सिंथेटिक ट्रैक की वस्तु स्थिति से अवगत करवाएं और इसके बेहतर रखरखाव के लिए त्वरित कार्रवाई करें। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कारगर कदम उठाएं। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को कहा कि पेयजल आपूर्ति पाइपों से सड़कों की और रिसने वाली पानी की समस्या का त्वरित हल करें। नगर परिषद भी शौचालयों की टंकियों से पानी रिसने की समस्या का अविलंब निपटान करें। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, सहायक आयुक्त राजकिशन, पुलिस उप अधीक्षक रेणु शर्मा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।